जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, राहुल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अध्यक्ष जी, क्या मामला है जो ज्ञापन देने आए हैं? आज हम लोग जो हमारी माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो ईडी और इनकम टैक्स और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, उसके खिलाफ हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग ने पैदल यात्रा करके हम डीएम को यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं। इस बीजेपी की गवर्नमेंट के पास कोई भी चीज़ इशू नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं और अग्निपथ का जो इन्होंने एक तरीके से एक्सटेंड करा है उसका विरोध करने के लिए हम लोग हैं। आज हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिस तरीके से कृषि कानून इन्हें वापस लेना पड़ेगा, इन्होंने एक साल के बाद करीब 700 लोगों को मारने के बाद वापस लिया और इसको भी वापस लेना पड़ेगा। ये सिर्फ परेशान करने के लिए राहुल गांधी और हमारे सोनिया जी को कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। आज जो है ईडी को लेकर क्या मामला? जैसा आप जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ये लगातार ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और लगातार उन लोगों के, विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है जो मूलभूत समस्याओं को लेकर उठाते हैं। बलात्कार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, अग्निवीर के मुद्दे हैं, आर्थिक रूप से जो देश ये कमज़ोर हो रहा है, उन मुद्दों को उठाने वाली कांग्रेस पार्टी को परेशान करने का मकसद इनका केवल ये है कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना, विपक्ष केवल मूक दर्शक बनकर संसद में बैठे। तो ऐसा सोनिया गांधी की जो छवि है विश्व स्तर पर, उनकी छवि है त्याग की, तपस्या की, बलिदानी, गांधी परिवार बलिदानी है, त्यागी है, तपस्या है, तो सब पूरा देश जानता है कि देश के राष्ट्रहित में ये काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। तो भाजपा जनहित में, राष्ट्रहित में काम नहीं करने देना चाहती विपक्ष को, उसे अपने खिलाफ आवाज़ पसंद नहीं है, इसलिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम सब लोग इस बात के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकारी संस्थाओं का इतनी बेदर्दी और बेरहमी से उनका इस्तेमाल कर रही है, खासकर विपक्षी आवाज़ को दबाने के लिए कि सच्चाई सबके सामने ना जाए। लेकिन यकीन जानिए, सच्चाई सबके सामने आएगी। उन्होंने राहुल जी को 56 घंटे तक परेशान करा और सोनिया जी को भी इन्होंने ईडी के सामने बुलाया। ये ईडी के जरिए, ये सीबीआई के जरिए तमाम जो सरकारी संस्थान जो पवित्र हैं उनको अपवित्र करने का काम कर रहे हैं ये, और उनको इस्तेमाल करके विपक्ष के हौसलों को पस्त करने के बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, कांग्रेस ने हर उस जुल्म का विरोध करा जिससे कांग्रेस आगे बढ़ी, देश आगे बढ़ा। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे और इनके हर जुल्म का विरोध करते रहेंगे, करेंगे, आज भी वही करने आएंगे।